आज हम लोग सीखेंगे कि वाईफाई से कनेक्टेड मोबाइल को दूसरे मोबाइल में ब्लूटूथ के जरिए इंटरनेट शेयर कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए ब्राइट ज्ञान को और बेल आइकन को दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए, और नीचे लाइक बटन को दबा करके ब्लू कर दीजिए। ये जो राइट साइड में मोबाइल दिख रहा है, इस मोबाइल में हम लोग ब्लूटूथ के जरिए इंटरनेट कनेक्ट करेंगे, और जो लेफ्ट में है इसमें वाईफाई कनेक्टेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे, फिर सेटिंग में जाने के बाद जाएंगे मोर में, फिर मोर में जाने के बाद ब्लूटूथ टेथरिंग है इसको ऑन कर देंगे। उसके बाद से ये मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन कर देंगे जिसमें इंटरनेट भेजना है हमें, और ये इस मोबाइल में बैक आएंगे, जो लेफ्ट में मोबाइल है उसमें बैक आएंगे, फिर ब्लूटूथ में जाएंगे। ब्लूटूथ में जाने के बाद ब्लूटूथ इसमें खुल गया। फिर वो जो दूसरा मोबाइल में जिसमें जो राइट साइड मोबाइल है उसमें हम सर्चिंग करेंगे, फिर सर्च में जो डिवाइस है वो ब्लूटूथ के जरिए शो करेगा, फिर पेयर कर लेंगे जैसे आपने वीडियो में देखा, ऐसा आएगा, फिर पेयर कर लेना है। फिर जो मोबाइल का नाम है उस पर एक बार सिंगल क्लिक करना है, फिर इंटरनेट एक्सेस है इसको इस पर टिक कर देना है, इंटरनेट एक्सेस ऑन कर देना है यहाँ से। फिर देखिए अभी इंटरनेट का कनेक्टेड हो गया, और अभी यूट्यूब चला के देखते हैं। ये है कि इंटरनेट ब्लूटूथ के जरिए थोड़ा सा स्लो रहता है, जितना स्पीड डायरेक्ट वाईफाई से मिलता है उतना स्पीड नहीं मिलता है, थोड़ा सा स्पीड स्लो मिलता है। अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो आप एक लाइक नीचे कर दीजिए ताकि और भी प्रोत्साहन मिले, और भी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।